एंट्री गेट कैसा बना रखा है, ये लकड़ी ऐसे राउंड शेप में बना रखी है, इसके अंदर जाना होता है। पहले के जमाने जब यहाँ पे चोर आता था तो यहाँ पे उसको जला देते थे, यहाँ पे खाना बनाते, देख लो भाई। 60 लड़के बाहर से कवर करते हैं पूरे गांव को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से इथोपिया के दूर दराज गाँव कौन सा से आपका स्वागत है। इसको इंग्लिश में मैप पे देखोगे तो करात भी दिखेगा, और यहाँ पे हैं एक ट्राइब जिसको बोलते हैं कौन सा ट्राइब, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। सुबह मैंने ट्राई किया, धक्का खा के आया, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया। अभी मेरे साथ ये गाइड हैं, ब्रो व्हाट इज योर नेम, आशा, आशा, और ये है बड़ा बड़ा भाई। सो अभी ये दोनों हमको लेके जा रहे हैं गाँव में दोबारा से। ये बोला सब कुछ मैं मैनेज कर दूंगा, मैं दे रहा हूँ 1000 बीर, बाइक, गाइड एंड गाँव में एंट्री फीस सब कुछ। तो अभी हम चलते हैं गांव में, यहाँ से कोई 2 किलोमीटर के आसपास है, एंड देन वहाँ पे दिखाते हैं यहाँ का एक डिफरेंट कल्चर। लेट्स गो ब्रो। देख लो भाई, पथरीले रास्तों से हम लोग जा रहे हैं गांव की ओर। कौन सो विलेज, इस विलेज नेम डोकाटो, डोकाटो देख लो, इसी बार डोकाटो। यहाँ पे 7 विलेज, दे हैव रजिस्टर्ड 5000 पीपल, नो नो, लाइक दिस काइंड ऑफ विलेज हैव अ 7 12 विलेज, ऐसे ऐसे 12 विलेज है, ऑल विलेजेस आर द सेम। सो देयर इज आल्सो न्यूयॉर्क व्हिच इज 20 किलोमीटर, द लैंडस्केप, ओह 20, अमेजिंग अमेजिंग। सो अभी हम लोग आफ्टर 2 डेज व्हेन यू आर कमिंग बैक वी गो विद मोटर बाइक टू सी दिस प्लेस। ओके ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू सी। या अभी ऐसी गली पकड़ लिए, ओह माय गॉड, बाइक स्लिप हो रही है भाई साहब। ये देखो कैसे झोंपड़े बने हुए हैं, हम ऑलमोस्ट विलेज में आ चुके हैं। और ये दीवार को क्रॉस करके जाना हो, ये गांव के चारों ओर दीवार बनी हुई है। सो दिस इज वॉल, या दिस इज द वॉल, ओके, सो वी आर गोइंग टू एंटरिंग द विलेज। हां केवल लखनिया करना, अभी हम गांव में जा रहे हैं, और गांव का ये रास्ता है कुछ गांव में जाने का। और गांव वालों की झोपड़ियां देखोगे तो भाई आपको पता चलेगा ये दिस इज होम, या दिस इज होम। हां, बट इफ दे वांट टू बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ हाउस इट्स नॉट अलाउड बिकॉज़ द विलेजेस आर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट, या बिकॉज़ दे बिल्डिंग ट्रेडिशनल हाउस इन द, या ट्रेडिशनल इज गुड। 30 इयर अगो वी हैव लाइक सेम, यस, इन इंडिया इन माय विलेज। भाई देख लो, हम लोग के इथोपिया के गांव में पहुंचे हुए हैं, और गांव की दीवार है वो, no problem, I'll tell you the no no problem, can no problem, yeah you can walk, no problem. So salam, इस अभी हम इथोपिया के गांव में हैं, और इस गांव के चारों ओर पत्थरों से दीवार बनी हुई है। ऐसे ऐसे यहां पे 12 गांव हैं, इसको कौनसो जाति के लोग बोलते हैं, और ये लोग झोंपड़ों में रहते हैं ऐसे। अब ये लोग बिल्ड नहीं कर सकते दूसरे घर, और ये घर के अंदर एंट्री होने का रास्ता। हेलो सलाम, और देखो भाई पत्थरों की दीवार है, बच्चे सब भाग रहे हैं। हाउ मेनी ईयर ओल्ड, सो दिस इज 310 इयर्स ओल्ड विलेज, 310 इयर्स। आई वाज माय दिस विलेज इज माय विलेज, आई वाज इन दिस विलेज, हां आई विल शो यू माय फैमिली कंपाउंड ऑफ यू, रियली। और इसका गांव यही है, और ये गांव और अपना घर भी दिखा, कम्युनिटी सेंटर, ओ ये कम्युनिटी हॉल है भाई, देख लो, वी हैव 6 लैक्स दिस 6, yeah, in village, yeah. So when we are walking entering the village, uh-huh, I will explain you later. Okay. इस तरह से called community house. इस तरह के घर बने हुए भाई, ये community hall है, मतलब एक गांव का बीच में center होता है बैठने का. So sometime you're sitting here people. Yeah, sitting. I will explain you. Okay. Oh. So there is better than this one, the best one. Oh, ये देखो भाई, इधर लकड़े, इधर अंदर भी कुछ. This is getting old. It's approximately this building is more than 115 years old. 150. Yeah. So they didn't change the wood. Uh-huh. And then they change the grass. Grass. So this is inside people sitting. It's sleeping and sitting. Inside. Yeah, inside. There is a letter. Uh-huh. Oh. Madam, tell me. Don't walk near me. इसके अंदर लोग भाई रहते हैं, देख लो, मतलब बैठते हैं। गांव के बच्चे हैं,
गांव में चारों ओर पत्थरों की दीवार बनी हुई है, इस गांव में कोई एंटर नहीं हो सकता। और इस गांव में रहने वाले लोगों का झोपड़ा देखोगे आप हैरान हो जाओगे भाई। कम ऑन, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये तो है यहाँ पे पत्थरों का एक रास्ता बना हुआ है, और इधर अंदर अंदर सब झोपड़े बने हुए। कम ऑन, ये देखो, और इनके झोपड़ों का जो ऊपर सज है वो देखने लायक है कि वो किस तरह से बनाया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हैं ये झोपड़े हैं ना, ऊपर बहुत सारी घास से सजा देते हैं, और अंदर की तरफ लोग लकड़ा डाल के उसके ऊपर अंदर सोते हैं। तो अभी मैं आपको पूरा घुमा के दिखाऊंगा किस तरह से ये लोग बनाते हैं, किस तरह से घास का उपयोग कर। ये 300-350 साल पुराना गांव है, और इस गांव में आने के लिए आपको गाइड के साथ आना पड़ेगा। तो अभी तो मैं आपको एक कम्युनिटी हॉल दिखाऊंगा, तब आपको उसके अंदर हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे काम करता है। कम ऑन, तो अभी आगे कम्युनिटी हॉल है, वो देखने लायक है। उसके अंदर देखा मैंने, पीछे एक देखा था, अभी आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा कि ऐसे बड़ा सा हॉल बना हुआ है, उसके अंदर ऊपर झोपड़ी जैसा बना, बीच में लकड़े डाल के ऊपर हाइट पे लोग सोते हैं गुफा की तरह, वो दिखाऊंगा। कम ऑन, ये देखो लकड़ों से दीवार बनी हुई है, यू कैन सी दिस, अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। हे दिस वे, ये, और अभी हम वॉक कर रहे हैं कंटिन्यू दिस साइड। ये देखो पत्थरों से बड़ी बड़ी दीवार बनी हुई है। ये ऐसे ऐसे 12 गांव हैं जिनको सरकार ने रजिस्टर्ड कर लिया है, और वो नया घर नहीं बना सकते हैं, वैसे झोपड़े जैसा ही रख सकते हैं। ओके, ऑल द विलेजेस, द कौन सा विलेजेस, दे लिव ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन। ओह, and then why they live on the top of mountain? Before long time ago, 100 years ago. वो ये लोग जो कौन सा जाति के लोग हैं, दूसरे जाति के लोग इन पे अटैक करते थे, इसलिए ये लोग पहाड़ों में ही रहते थे और पहाड़ों में दीवार बना के और वहाँ से ध्यान रखते थे कि कोई अटैक ना करे। तो इस गांव में आ गए हैं ऑलरेडी, और ये यहाँ पे दिस इज कम्युनिटी हॉल, ये भी एक कम्युनिटी हॉल, एक सभा हॉल कह सकते हैं। अभी इसको देखेंगे, यहाँ पे कुछ लोग पानी वानी भर रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ज़्यादा मैं उनकी ओर इशारा नहीं करूँगा, आप समझिए। लेट्स गो, so water coming from village, it's like 5-7 kilometers. okay, so यहाँ पे पानी की तो भाई हर जगह दिक्कत है, पानी है वो गांव में दूर दराज से आता है। can we go inside? there is a best one. तो अभी देखो मैं दीवार के ऊपर से जा रहा हूँ, you can like, अभी देखो ये दीवार के ऊपर से जाने का रास्ता, ये कम, ये एक और रास्ता है यहाँ पे, कम और यहाँ से गांव का व्यू देख सकते हैं, और ये लोग कितने ऊपर रह रहे हैं आप समझ सकते हैं, उधर गांव है, ये लोग इधर घर है, देखो पूरा और चारों ओर दीवार बनी हुई है। ये हमारे गाइड हैं, ये सब देखो बकरियाँ और ये सब है, ये तो है सोने के लिए, और ये नीचे बकरियाँ बांधने के लिए, और इसके अंदर लोग मतलब सामान वामान रखते हैं। ओके, लेट्स गो, आ भाई ऊपर चढ़ते हैं, कम, और देखो हम लोग ऊपर छत पे बैठे हुए हैं, ये देखो चारों ओर ये बीच के रास्ता है अंदर से आने का, ये सब लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये देखो, और क्या छत मजबूत बनी हुई भाई, और बीच में एक बीम है, और उसके वहाँ पे लकड़े देखो आपको डिवाइड कर रहे हैं। यह व्हाट ऑल दिस इज यंग मंस, हां दे स्लीप हियर, व्हाट इट मींस दिस, सो इफ यू आर कमिंग इन द विलेज एट नाइट, यू कैन स्लीप विद दिस गाय। भाई साहब इस गांव का, इस झोपड़े का मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक तरह का कम्युनिटी हॉल है, और ये 18 साल के होते हैं तभी ये लोग शादी भी कर लेते हैं, जब 9th क्लास में होते हैं तब लोग ये लड़कियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये है कुछ सीन, यहाँ पे सोने के लिए जगह है, और लड़के सिक्योरिटी करते हैं गाँव की, इसीलिए ये जगह बनाई, अगर मैं भी यहाँ पे आऊँ तो मुझे भी यहीं सुलाया जाएगा, ना कि गाँव के अंदर। हमारे वहाँ झोपड़े बनते हैं ना वो खीप यूज़ करते हैं, और ये लोग गेहूँ का भूसा है, आई थिंक गेहूँ का भूसा ही है, ये देखो गेहूँ का भूसा यूज़ करके इसको बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे पता है कमेंट में पूछेंगे ये कौन सी घास यूज़ करते हैं, तो ये समझ लीजिए। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे और आपको दिखाते हैं आगे, ये देखो किस तरह से झोपड़ा बनाया गया नीचे की तरफ,
ये देखो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, एकदम परफेक्ट शेप में बना रखा है और ऊपर कुछ ये आकार दिया है। हाँ, लेट्स गो। सुबह में मैं एक खुद से आया था, एक रिक्शा लेके लोकल भाई के साथ में, मुझे भगा दिया गांव से, बोले गो आउट। और अभी हम लोग इसके गांव और घर जाएंगे और घर भी दिखाएंगे कि ये घर कैसा है। रियली दैट्स गुड। अब इसके घर जाते हैं और घर दिखाते हैं कि इनका घर कैसा है, इनका कंपाउंड कैसा है। ये देखो भाई, देख लो। और ये पत्थर बहुत पुराने हैं भाई, बहुत मजबूत कड़क पत्थर हैं। और ये रास्ता कैसा, देखो भाई, देखो ये लोग जा रहे हैं, आप समझो ये बकरियां बकरियां बांधी हुई हैं। वाह, घर के अंदर एंट्री का कुछ गेट ऐसा है, देखो एंट्री गेट कैसा बना रखा है, ये लकड़ी ऐसे राउंड शेप में बना रखी है, इसके अंदर जाना होता है। कम ऑन ब्रो, तो अभी हम लोग इसके अंदर एंटर होते हैं। देखो ये रास्ता है ना, ये रास्ता है और ये गांव घर के अंदर जाने का। कम, ये देखो ऐसा कुछ रास्ता बना हुआ है। ये देखो हम लोग आ गए घर के अंदर और यहाँ पे हैं कुछ मैं बकरियाँ। ये देखो बकरी है और ये कुछ, व्हाट इज दिस, स्टोरेज, स्टोरेज इन टॉप एंड ऑल्सो देयर, दैट्स ऑल्सो स्टोरेज। ओके, तो वहाँ पे स्टोरेज है और इसके अंदर भी स्टोरेज। अभी सामान सब अंदर रख दिया, इसके लिए इसको कलाम सलामो। ये देखो इनके घर के सामान हैं और ये लोग घर, दिस इज योर फैमिली मेंबर, ओके, एंड दिस वन व्हाट, दिस वन आल्सो स्टोरेज, कलाबस, हां, नाउ गेटिंग ओल्ड, ओके, बिफोर दे जस्ट कलेक्टिंग हनी, ओ हनी, ये जो है ये मद कलेक्ट करने की सामान है। और ये देखो नया वन है, ये नया है, इसमें ये लोग जंगल से मद इकट्ठा करते हैं और ये कुछ फ्रूट से ही बना। और यहाँ पे देखो भाई, ओ ये देखो मधुमक्खी के छत्ते अंदर पड़े हुए। और ये देखो मक्के, सॉरी जवार है, जवार, ये देखो ये जवार, ये सो ये है इनका फूड स्टोरेज ये। और इसके अंदर लॉक मारा हुआ है, जब इनको जरूरत होती है तो अंदर से निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे रहते हैं। ये एक दो तीन चार पांच झोपड़े बने हुए हैं, पूरा पैक है भाई, फुली, अंदर कोई एंटर भी नहीं हो सकता, बच्चा भी एंटर नहीं हो सकता है। ये इनके फैमिली मेंबर है। सो यहाँ पे खाना बनाते, देख लो भाई। और खाना बनाने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं चूल्हा, देसी पत्थरों से बना हुआ चूल्हा, एक चूल्हा है, ये बैठने की जगह है, यहाँ पर सब लोग बैठते हैं, ऐसा सामान कुछ रखते हुए, खाना पीने की चीज़ें और काफ़ी सारे स्टोरेज हैं। और अंदर धुआं होता है और ऊपर देखो यहाँ पे अंदर जाके सो सकते हैं। सो दिस वन इज स्लीपिंग, फॉर स्लीपिंग, नो, जस्ट टेक सामान स्टोरेज, ओके। और ये मक्की के भुट्टे ये लोग खाते रहते हैं भाई, ये देखो ये इनका मुख्य भोजन है। और अभी देखो कुछ बन रहा है, चाय गर्म हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, दैट्स गुड। और इसका दरवाज़ा ये है, देखो ये जो दरवाज़ा है ऐसे ये पैक हो गया, ओके। हाँ चलो, तो ये है गांव का कुछ नज़ारा। सो ये फैमिली और घर अंदर से दिखाने की कोशिश की, अब हम चलते हैं बाहर। और देखो भाई ये देखो ढोलक जैसा कुछ बना हुआ ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी कुछ रखते होंगे लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, कुछ खाली खाली पड़ा हुआ। ये स्टोरेज है ये भी, ओ इसके अंदर मधुमक्खियाँ का है सज्जा रखने के लिए, ओके। ये देखो ये गली, हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये से बाहर निकलेंगे, पूरा रात को फुली पैक हो जाता है, अंदर कोई आ ही नहीं सकता, एक आदमी के निकलने की जगह। देखो वाइसा, इस गांव की आबादी 5000 है, एक स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से ये गांव पूरा पैक होता है दीवार के साथ में। और 5000 लोग रहते हैं, चारों ओर कम्युनिटी हॉल, मतलब वही सिक्योरिटी पॉइंट बने हुए जो अभी हमने देखा, और उसी के अंदर रात को 18 वर्ष के लड़के रहते हैं और वो इस गांव की सिक्योरिटी करते हैं। अगर कोई बंदा गलती से आ जाए तो वापस जिंदा तो नहीं जा पाएगा, ये बात 100% है। तो ये कुछ सीन है कौन सा ट्राइबल। और भाई बच्चे देखो वहाँ पेड़ के ऊपर बैठे हुए,
एंड यहाँ पे कुछ मैदान इलाका है, देखते हैं। ये मैदान आया है, देखो इतना सा मैदान है, ये छोटा सा ग्राउंड है फुटबॉल हियर। ओके सलाम, ये भाई साहब देखो बड़ा सा सुरा लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ खेती हुआ। ये एक छोटा सा मैदान है, हर संडे को यहाँ पे ओके ड्रिंकिंग, हाँ हर संडे को यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, बच्चे इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे प्ले करते हैं, सब कुछ करते हैं। ओके लेट्स गो, अब हम चल रहे हैं आगे। ये एक थोड़ा सा मतलब पतरे वाला मकान है, देख सकते हैं, और घास में ये पूरा बारिश हुई है। आप अगर इधर आना चाहते हैं कोई भी बंदा, तो मैं इस गाइड का नंबर दे दूंगा और ये बंदा यहीं पे मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता ही है, और आपको इस गांव में भ्रमण करा देगा सिक्योरिटी के साथ में। हम ऑलमोस्ट वापस पहुंच गए शायद सिक्योरिटी पॉइंट पे। So this is same community hall? Yeah. We have already here. अभी हम लोग फिर से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक गाय के चमड़े की खाल है, मेरे गाय का चमड़ा है। दिस इज काउ स्किन और गॉट फॉर स्लीपिंग, सो पीपल स्लीपिंग लाइक यूज दिस वन। ओके रियली? ओ तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 10 लोग होंगे रात को, तो 10 में से 5 लोग सोएंगे और ये यूज करेंगे गाय की खाल जिस पे सोएंगे। 5 लोग सोएंगे और 5 लोग ध्यान रखेंगे। सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी हॉल हैव अराउंड द विलेज राइट? तो गांव के चारों ओर बने हुए हैं, ये एक नाका हो गया और यहाँ पे 5 लोग ध्यान रखेंगे, 5 सोएंगे। इफ एट नाइट समवन कमिंग देन व्हाट कैन यू डू? समटाइम्स दे बर्न इट। बर्न इट? या समटाइम्स और समटाइम दे कैप्चर। समटाइम्स थीव्स कमिंग इन द विलेज। ओह सम एनिमल्स और सम एनिमल्स लाइक अ बिग एनिमल्स लाइक। ओह बिफोर नाउ देयर इज नो Now is okay everything. तो ये सब पहले के ज़माने की बात है। पहले के ज़माने जब यहाँ पे चोर आता था तो यहाँ पे उसको जला देते थे, और अभी तो सब नॉर्मल हो गया, अभी कोई चोर वगैरह इतना चोरी वगैरह नहीं करता है। तो ये कुछ सीन है भाई, है ना? तो अब चलते हैं आगे। और इस गांव की एक और बात है, जब गांव के लोग किसी जानवर या किसी को मारते थे ना, उसको वो सब कुछ गांव के अंदर रखते हैं, तो वो भी चीज़ हम दिखाएंगे आगे चल के आपको। वो ले जाएगा, अभी पता नहीं कहाँ पे है, गांव से बाहर है बोले। ये झोंपड़े देख लो भाई कैसे बने हुए, डिजाइन देखो। तो ये वाला कम्युनिटी हॉल बड़ा सा, अब हम चलते हैं यहाँ से आगे, आपको दिखाते हैं। सलाम नो, ये घर पक्का है देखो, गेट इसका एंट्री गेट थोड़ा मॉडर्न है। ड्राइवर होम, ड्राइवर आल्सो लिविंग हियर? ओ हमारे साथ जो बड़ा बड़ा ड्राइवर है उसका घर ये है। हाँ जबरदस्त। सो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं वापस गांव से, और अभी वो दूसरी जगह पे ले जाएगा हमें, तो वो दूसरी जगह है, तो चलते हैं आपको बाहर ले जाते हैं देखो यहाँ पे। सो अभी मेरे पीछे देख सकते हैं ये सब लोग सेलिब्रेशन है, इनका हॉलीडे है, क्रिश्चियन लोग है आई थिंक, और वाइट कपड़ों में जाते हैं और अभी सेलिब्रेशन करेंगे। रोड पूरा ब्लॉक रखेंगे, रास्ते से आप जा नहीं सकते, ऐसा कुछ सीन है। तो अभी हम भी जाएंगे देखने के लिए। देखो ये सब लोग जा रहे हैं इधर वाइट कपड़ों में, और ये आए देखो कुछ गाना गा रहे हैं और जा रहे हैं। सर्कल पे इथियोपिया का झंडा लगा रखा है, चारों ओर आपको लोग दिखेंगे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखो तो देखिए भाई कैसा खूबसूरत नज़ारा है। रोड किधर जा रही है देखो, इधर से नीचे जाएगी घूम के, फिर इधर होके सामने उस तरफ माउंटेन में जाती है। ये जगह पे जब कोई लोग जैसे मर जाते हैं तो ऐसा कुछ सीन करते हैं, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है ऐसे ही, तो ये सीन होता है। देखो यहाँ पे कुछ मूर्ति वूर्ति रखी है। सो अभी लास्ट में आपको गाँव में सेलिब्रेशन चल रहा है वो दिखा लेता हूँ आपको, कि किस तरह से लोग गाँव में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी इसको फेस्टिवल का नाम तो पता नहीं, कुछ क्रिश्चियन लोगों का कुछ है।
सो अभी आप देख सकते हैं कितने सारे लोग है भाई इस धूप में, ये इस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखो चारों तरफ देखो, ओहो हो, वाइट वाइट कपड़े। तो भाई कौनसो ट्राइब का संपूर्ण टूर खत्म हुआ। आपने देखा कि किस तरह से हम गांव में गए और गांव में बहुत ही जबरदस्त अलग किस्म की दीवार थी। चलने के लिए वहां पे साइकिल नहीं, सिर्फ पैदल आदमी ही चल सकता है। दोनों ओर पत्थरों की दीवार और फिर दीवार से फिर एक अलग गली जाती है, वो भी पत्थरों के ऊपर से जाना होगा और उसके बाद एक लकड़े का दरवाजा एक गली के अंदर से अंदर एंटर होता है। रात को वो भी पैक हो जाता है। आप अगर उस गलियों में चले जाओ तो आप रियली वहाँ पे खो जाओगे, भूल भलैया, आप गांव से बाहर निकल ही नहीं पाओगे, आपको गली मिलेगे भी नहीं। तो ऐसा कुछ, वो एकदम पतली गली है और जो मेन लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी है, ऐसा कुछ सीन है। और यहाँ के झोपड़े थोड़े अलग हैं और ये लोग फर्स्ट फ्लोर नीचे का पूरा खाली रखते हैं, नीचे बकरी वगैरह बांधते हैं और उसके अंदर से जाके अंदर सोते हैं। और 18 साल के हो जाने के बाद लड़के गांव से बाहर चौकीदारी करते हैं, बाहर ही सोते हैं, 5 जागते रहते हैं, 5 सोते रहते हैं। तो इस तरह से चारों ओर 6 पॉइंट बनाए गए, तो 6×10=60 लड़के बाहर से कवर करते हैं पूरे गांव को। तो अभी ऐसा नहीं है सीन, अभी तो मतलब सब कुछ बंद हो गया है, अभी कोई चोरी वगैरह ये सब नहीं होता, पहले की बात सब थी। और उसके बाद हमने क्रिश्चियन लोगों का जो एक 3 दिन का फेस्टिवल था उसका कुछ सीन देखा, और एक वो बंदे को दफनाने की जो एक जगह थी कॉर्नर पे, 3-4 लकड़े रखे थे, वो सीन देखा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करके बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है। हमारे वहाँ झोपड़े तो बहुत है लेकिन ऐसे नहीं है, उसके ऊपर डिज़ाइन थोड़ी अलग है भाई, मुझे भी पता, हम भी झोपड़े में रहते थे पहले, मेरे दादाजी के झोपड़ा था। बाय, जय हिंद।